शकुनी कौन है? शकुनी गांधारी के भाई है। गांधार जिसे आज कांधार कहते हैं, अफगानिस्तान। शकुनी मामा अफगानी है। कांधार आज भी उस जगह का नाम है जिसे गांधार कहते हैं। ये शकुनी मामा जो है ना, इन्होंने एक ही सपना देखा है। क्या? कि किस प्रकार कुरुवंश का नाश हो। कुरुवंश मीन्स कौरव। शकुनी मामा ने केवल एक ही सपना देखा था, कुरुवंश का नाश। शकुनी मामा ने केवल कौरवों का नाश करने के लिए उन्होंने उल्टी सीधी बातें कह कह के भेड़ा दिया और नाश हो गया। जैसे मंथरा थी। कहा जाता है कि जो कैकेय देश के राजा थे, कैकेयी के पिता, उनके पिता के महलों की दासी थी एक मंथरा। एक दिन मंथरा के पति को, मंथरा का जो पति था वह कैकेय देश के राजा का सेनापति था, पर मंथरा का पति जो कि सेनापति था तो वो किसी कोई गलती किया, कुछ बात लीक की होगी, कुछ गलती अपराध किया होगा, तो कैकेयी के पिता ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया और मंथरा का पति मर गया। अब कैकेयी बोली, महाराज मैं कहाँ जाऊं? तो कैकेयी नरेश दयालु थे, उन्होंने अपने घर में काम धाम में रख लिया, तुम काम करती रहना। उस मंथरा ने एक सपना देखा था, कसम खाई थी मन मन में, कुछ लोग होते आपके साथ हैं लेकिन वो लोग अंदर से आपके सर्वनाश की प्लानिंग रचते रहते हैं, ऐसे लोगों से जरा बचना है, आपके विनाश की प्लानिंग करते रहते हैं। एक शकुनी है और दूसरी मंथरा। मंथरा ने कसम खाई थी कि कैकेय नरेश, जैसे आपने हमारे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी एक ही बेटी है कैकेयी, मैं इसके सुहाग को ना उजाड़ दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं, जैसे तुमने मुझे विधवा किया है मैं तुम्हारी बेटी को भी विधवा करूंगी। और जब कैकेयी का विवाह दशरथ जी से हुआ तो ये भी दहेज में आई थी और शकुनी मामा भी दहेज में आए थे। मैं कहता हूं दहेज ना लिया करो, दहेज की चीजें बुरी होती है, लेकिन आप तो मानते नहीं। देखो इन लोगों ने नाश कराया है दोनों ने। शकुनी भी दहेज में आया गांधारी के साथ। पहले के जमाने में दहेज में दास दासियां भी आया करती थी, हाथी घोड़े भी आया करते थे। दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मंथरा ने कहा था मैं तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी मन में, और देखो षड्यंत्र, मौका मिलते ही उसने काम कर लिया। कैकेयी को, कैकेयी का सुहाग दशरथ जी उजाड़ दिया कि नहीं, विधवा बना दिया कि नहीं। शकुनी ने सपना देखा था समस्त कुरुवंश का विनाश कर दूंगा। अब आप कहेंगे महाराज जी शकुनी ने क्यों सपना देखा था? कारण था, पितामह भीष्म गांधारी के पास गए और कहा कि तुम्हें धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ेगा। शकुनी और शकुनी के पिता ना खुश थे कि मेरे बहन तो इतनी सुंदर है और ये तो अंधा है धृतराष्ट्र। पितामह भीष्म ने कहा कोई बात नहीं, भले अंधा विवाह करो। गांधारी को तो ऐतराज नहीं था, उन्होंने कहा मैं कर लूंगी, पर ये दोनों बाप बेटे बड़े चिढ़ गए। और तभी बाप तो मर गया, पर शकुनी बोला कि पितामह भीष्म ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है,
इसका बदला मैं पूरा कुरुवंश बर्बाद कर दूंगा, पितामह का अहंकार मिटाऊंगा। ये बड़ा अहंकार कि इतना बल के अहंकार पे गरजते हैं कि किसी को भी उठा लेंगे। परिणाम शकुनी काम कर गया, नाश कर दिया।